गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग में लूप्स को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आज वाइल लूप से स्टार्ट करते हैं। लूप का इस्तेमाल हम ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे एक ही तरह की स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को हमें मल्टीपल टाइम्स यूज करना होता है। सी प्रोग्रामिंग तीन तरह के लूप्स को सपोर्ट करता है। सबसे पहला वाइल लूप, दूसरा डू वाइल और तीसरा फॉर लूप। आज हम लोग व्हाइल लूप को देखते हैं। व्हाइल लूप हमारा स्टेटमेंट हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं। उसमें व्हाइल, व्हाइल के बाद पैरेंथेसिस में टेस्ट कंडीशन, जैसे आई इज लेस देन 2, आई इज लेस देन 5, इसे हम टेस्ट कंडीशन कहते हैं। उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस के अंदर में स्टेटमेंट्स, इसे हम बॉडी ऑफ द लूप भी कह सकते हैं। व्हाइल लूप में चूंकि कंडीशन हमारे बिगनिंग में ही टेस्ट होता है, इसलिए इसको हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा प्रोग्राम बॉडी के अंदर में जाएगा एंड इसका बॉडी के अंदर में जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होगा। एंड एवरी टाइम जब आपका व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में टेस्ट कंडीशन चेक होगा और टेस्ट कंडीशन अगर सही है, ट्रू है, तो लूप आपका एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगा, ये आपका लूप के बाहर चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ट कंडीशन फॉल्स होने के केस में हमारा लूप टर्मिनेट कर जाएगा और उसके बाद का स्टेटमेंट लूप के बाद जो आपने लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करेगा। आइए इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये फ्लो चार्ट, सबसे पहले हम लोग टेस्ट कंडीशन चेक कर रहे हैं एंड टेस्ट कंडीशन के बाद में हम लोग अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप में जाएंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे एक या उससे ज्यादा जो भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा और उस एग्जीक्यूशन के बाद में वापस हम लोग टेस्ट कंडीशन पे आएंगे और ये चेक करेंगे कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं। एंड अगर वो ट्रू है तो फिर से बॉडी ऑफ द लूप में जाएंगे एंड फिर टेस्ट कंडीशन। ये प्रोसेस चलता रहेगा तब तक जब तक कि आपका कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, आप सीधे लूप से बाहर आ जाएंगे और जहाँ बॉडी ऑफ द लूप जहाँ खत्म हो रहा है वहां पे उसके बाद का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है। इसमें आई एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का, उसको हमने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया है। उसका मतलब वो ये हुआ कि आई को हमने जीरो असाइन कर दिया है। एंड व्हाइल आई इज लेस देन 2, यहाँ पे हमारा टेस्ट कंडीशन है कि आई का वैल्यू 2 से कम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम लोग बॉडी ऑफ द लूप, जिसमें हमने दो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट है प्रिंट एफ वेलकम टू लूप एंड सेकंड स्टेटमेंट में हम लोग लूप वेरिएबल आई को इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे आई प्लस प्लस हमने यूज किया है। आई प्लस प्लस को हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम है वेरिएबल के वैल्यू को एक से इंक्रीज कर देना। तो आई का वैल्यू एक से इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर कंडीशन हमारा फॉल्स जैसे ही होगा, यानी कि अगर वैल्यू आई का 2 हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स होगा और हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। आइए देखते हैं एक एक हर स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। सबसे पहला इंट आई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लूप वेरिएबल जो आई है उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया गया, 0 वैल्यू आई में असाइन कर दिया गया। ये आप जानते होंगे कि वैल्यू असाइनमेंट राइट टू लेफ्ट होता है, 0 आई में असाइन हो जाएगा। उसके बाद में हमारा टेस्ट कंडीशन है आई इज लेस देन 2। ये ध्यान देने वाली बात है कि व्हाइल स्टेटमेंट के बाद में सेमी कॉलोन का यूज हम नहीं करते हैं। ये कंडीशन हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में चेक करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट हमारा चेक हुआ या कंडीशन चेक हुआ, इस केस में हमारा कंडीशन ट्रू है क्योंकि आई का वैल्यू हमारा 0 है और 0 2 से छोटा होता है। तो हम लोग लूप के बॉडी में एंटर करेंगे और बॉडी में जो पहला स्टेटमेंट है प्रिंट एफ व्हाइल वेलकम टू लूप, ये डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट होगा। ये आई प्लस प्लस, ये आई के वैल्यू को
एक से इंक्रीज कर देगा, आई का वैल्यू पहले जीरो था वो इंक्रीज होकर के वन हो जाएगा, आई का वैल्यू अब वन है। जैसे ये स्टेटमेंट खत्म होगा, ये लूप हमारा यहाँ खत्म हो रहा है, हम लोग व्हाइल स्टेटमेंट में वापस टेस्ट कंडीशन में फिर से जाएंगे। यहाँ हम चेक करेंगे आई के वैल्यू को, अगर आई का वैल्यू दो से कम है तो हमारा फिर से हम लूप में जाएंगे। तो अभी आई का वैल्यू हमारा वन है और वन दो से छोटा होता है, इसलिए कंडीशन अभी भी हम ट्रू है। हम फिर बॉडी ऑफ द लूप में एंटर करेंगे एंड फिर से स्क्रीन पे वेलकम टू लूप डिस्प्ले होगा। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट आई प्लस प्लस, फिर से आई का वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे, अभी आई का वैल्यू वन था वो इंक्रीज होकर के अब दो हो जाएगा। इसके बाद में फिर से आप टेस्ट कंडीशन पे चल जाएंगे, यहाँ पे आई का वैल्यू दो है और हम चेक कर रहे हैं क्या दो दो से छोटा होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि दो दो से छोटा नहीं होता है। तो हम लोग का लूप यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगा और टर्मिनेट करेगा तो हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे और लूप के बाद का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से लूप काम करता है। आइए हम लोग समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि हमारा लूप कैसे वर्क करता है। मैंने यहाँ पे पहले से हेडर फाइल्स तो ले लिया है, यहाँ मेन प्रोग्राम है, यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट आई इज इक्वल टू जीरो। अब हम लूप स्टार्ट करते हैं, वाइल लूप हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वाइल आई इज लेस देन टू। हम लोग लूप के बॉडी में आते हैं, यहाँ पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा प्रिंट एफ डबल कोट्स में और वेलकम वेलकम टू लूप सेमी कॉलोन एंड आई प्लस प्लस। यहाँ आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोगों ने वाइल के बाद में सेमी कॉलोन यूज नहीं किया है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि वाइल के बाद में सेमी कॉलोन का इस्तेमाल नहीं होता है। आइए इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। हम लोग कंपाइल कर रहे हैं प्रोग्राम को और कंपाइल करने के बाद में हमने देखा कि यहाँ पे दो बार स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले हुआ वेलकम टू लूप एंड वेलकम टू लूप। आइए हम लोग इसमें स्लैश एन का इस्तेमाल करें ताकि ये क्लियर हमें समझ में आए कि इसका दो लाइन में अलग अलग हम देख सकें। फिर से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिए, कंपाइल और रन करिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि दो बार स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है मैसेज वेलकम टू लूप एंड नेक्स्ट लाइन में फिर से वेलकम टू लूप। इस केस में सबसे पहले आई का वैल्यू जीरो है, वो चेक करेगा कंडीशन को जो कि ट्रू है। हम लोग लूप में आएंगे, वेलकम टू लूप एक बार डिस्प्ले होगा, फिर आई का वैल्यू इंक्रीज करेगा, आई का वैल्यू इंक्रीज करके वन होगा। हम फिर कंडीशन को चेक करेंगे वन इज लेस देन टू, फिर प्रिंट एफ कंडीशन ट्रू है इस वजह से फिर डिस्प्ले करेगा वेलकम टू लूप। फिर आई के वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ आई का वैल्यू इंक्रीज होकर के टू हो जाएगा। एम टू इज लेस देन टू कंडीशन फॉल्स है, इस वजह से हम लोग गेट सी एच में आएंगे। गेट सी एच का काम है किसी करेक्टर का इनपुट, एक करेक्टर का इनपुट एक्सेप्ट करना। जैसे ही हम ये प्रेस करेंगे हम लोग लूप से बाहर, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा हमारा। आइए अगर हम इस आई को इंक्रीमेंट कर ना करें तो क्या होगा वो चेक करते हैं। तो अगर हम आई के वैल्यू को इंक्रीज ना करें तो आई का वैल्यू कांस्टेंट टू जीरो रह जाएगा, तो आई का ये कंडीशन इस वजह से हमेशा ट्रू होगा। तो इसका इस वजह से ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। आप आइए देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आप नोटिस करेंगे कि ये इनफाइनाइट टाइम्स लूप डिस्प्ले कंटिन्यूअसली हो रहा है, लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो इसलिए इसका इंक्रीमेंट होना, इंक्रीज होना जरूरी है वैल्यू का। आइए अगर आई के वैल्यू को डिक्रीज कर दें तो क्या होगा। इस केस में भी आई का वैल्यू हमेशा डिक्रीज होता जाएगा, मतलब जीरो से -1 -2 -3, तो कभी भी कंडीशन फॉल्स नहीं होगा, कभी भी इंक्रीज होके दो तक नहीं पहुंचेगा। तो इस केस में भी आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा आउटपुट हमेशा
डिस्प्ले कर रहा है और लूप बढ़ता जा रहा है। स्क्रॉल बार को आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि लूप इंक्रीज कर रहा है और एक मैसेज को बार बार डिस्प्ले कर रहा है। इस केस में भी इनफाइनाइट लूप हमारा आ रहा है, तो इसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें इसको इंक्रीज करना है। हम चाहें तो इसको एक से ज्यादा बार भी इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्लस इक्वल टू टू हम अगर लिखते हैं तो लूप को एक से आई को दो से इंक्रीज करेगा हमारा। आइए इसको रन करके देखते हैं कि हमारा क्या चेंजेस आता है आउटपुट में। तो इसके आउटपुट में हमें ये दिखने को मिलेगा कि आउटपुट सिर्फ हमारा एक बार भी आ रहा है। इसका क्या कारण है हम चेक करते हैं। आई का वैल्यू जब जीरो है तो हम ये कंडीशन ट्रू हुआ, हम लूप के अंदर आएंगे और आई के वैल्यू को दो से इंक्रीज कर देंगे। अब आई का वैल्यू बढ़ के दो हो गया, अब दो दो से छोटा, ये कंडीशन फॉल्स है तो हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। गेट सी एच की वजह से भी हमारा स्क्रीन यहाँ पे है, ये इनपुट लेगा एक करेक्टर का और टर्मिनेट कर जाएगा प्रोग्राम। तो ये है कैसे आपका एक लूप वर्क करता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर लूप एंड बूट।